द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। सुदीप्तो सेन की फिल्म इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है कि शनिवार के दिन ये फिल्म 100 करोड़ी क्लब में भी शामिल हो चुकी है। केवल देश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फिल्म ने धूम मचा दी है। हालांकि फिल्म को लेकर एक तबका विरोध भी कर रहा है, इसमें दिखाए गए तथ्यों को लेकर इसे प्रोपेगेंडा करार दिया गया। दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा है कि उन्होंने काफी रिसर्च करके ये फिल्म बनाई है। अब जब फिल्म की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, तो ऐसे में टेलीविजन एक्ट्रेस देवोलीना ने बताया कि उनके पति मुस्लिम हैं और उन्हें फिल्म के विषय को लेकर उन्हें किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं लगी है। आपको बता दें, देवोलीना ने बताया कि उन्होंने और उनके पति शहनवाज शेख ने फिल्म देखी है। उनके पति ने फिल्म की तारीफ की है। देवोलीना ने एक यूजर को टैग करते हुए ट्वीट किया। यूजर ने लिखा था कि उसकी एक दोस्त का अफेयर दूसरे धर्म के लड़के के साथ है। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से द केरल स्टोरी देखने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, और यही नहीं, लड़के ने उस लड़की से मारपीट की। देवोलीना ने यूजर के ट्वीट पर अब रिएक्शन देते हुए लिखा, ऐसा हमेशा नहीं होता। मेरे पति मुस्लिम है और उन्होंने मेरे साथ फिल्म देखी। उन्होंने इसकी सराहना की। उन्होंने इसे ना तो अपमान की तरह लिया और ना ही उन्हें लगा कि उनके धर्म के खिलाफ है। मुझे लगता है कि हर भारतीय को ऐसा ही होना चाहिए। देवोलीना ने ट्वीट में आगे हैशटैग द केरल स्टोरी लिखा। आपको बता दें, देवोलीना ने पिछले साल दिसंबर के महीने में जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी रचाई थी। देवोलीना को टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के किरदार से जाना जाता है। इसके अलावा साथ ही उनको बिग बॉस 13 में भी देखा जा चुका है। द केरल स्टोरी को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रही है। इसके निर्माता विपुल शाह है। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी लीड रोल में हैं। और इस फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया है कि 32,000 महिलाएं केरल से लापता हो गईं और उन्होंने आतंकी संगठन ISIS ज्वाइन कर लिया। आंकड़ों को लेकर काफी विवाद हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो मेकर्स ने 32,000 की जगह 3 महिलाओं के होने की बात कही। अगर आपने ये फिल्म देख ली और इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।